हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से अपने लिटिल टेरेस पे। आज मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम करनी है। बहुत सारे काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, कुछ बाकी है। अब थोड़ी ब्रेक लिया है तो मैं वीडियो बना रही हूँ और ये है साइप्रस वाइन। तो फ्रेंड्स, एक जंगल मैंने क्रिएट करा था नीचे टेरेस पे, जो आप सभी ने बहुत पसंद किए हो। और एक जंगल यहाँ पे भी है जो मैंने नहीं, अपने आप वो क्रिएट हो गई है और मुझे लगता है वो भी आप लोगों ने पसंद करने वाले हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी सूखे पत्ते फूल वगैरह पड़ते रहते हैं वो मैं झाड़ू लगाने के बाद इकट्ठा करके हर एक पॉट पे डालती रहती हूँ। उसका कारण है यहाँ पे बहुत धूप पड़ते हैं। सनराइज़ से लेके सनसेट होने तक यहाँ पे धूप रहते हैं तो मल्चिंग बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो हर एक पॉट पे मैं वो सब सूखे चीज़ें डालती रहती हूँ, तो उसमें बीज भी रहते हैं। तो देख सकते हो हर दूसरे तीसरे पॉट पे मेरे साइप्रस वाइन कैसे ग्रो कर गई है और उसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और साथ में जो जंगली पिटूनिया, उसकी तो पूछो ही मत, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। तो इस वाले बकेट तो उसके कब्ज़े में था तो मैं उसको हटा दिया है, तो मेरे ट्रम्पेट वाइन थोड़ी अब ग्रो कर गई है। और यहाँ पे देख सकते हो सदाबहार के प्लांट यानी भिन का, जो बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये भी अपने आप यहाँ पे उगी है। और ये है मेरे एक कूड़ा कचरा जमा करने की गमला, जिस पे विन का तो है ही, साथ में नीम के प्लांट है, जामुन के प्लांट है और भी बहुत सारे प्लांट उगते रहते हैं। और क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है तो कुछ दिन जाने के बाद वो मर भी जाते हैं। और मेरे रेन लिली बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लावरिंग पे है और बहुत दिनों से इसकी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो आज क्योंकि मैं बहुत टाइम से टेरेस पे हूं तो आज दिखा रही हूं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत धूप पड़ते हैं, तो देख सकते हो ये जो मेरे बकेट ये टूट गई है धूप की वजह से। और जब भी रेन लिली खिलते हैं एक टाइप की कीड़े इसमें पनपते हैं, तो धूप की वजह से मुझे लगता है इस साल अभी वो कीड़ा नहीं यहाँ पे अटैक किया है। तो देखते हैं बाद में क्या होते हैं। इधर भी कुछ रेन लिली है, पिंक कलर के ये जो रेन लिली वो कल खिलने वाले हैं। और ये है एक एलामंडा। तो जो मैं बोल रही थी कि एक जंगल अपने आप यहाँ पे ग्रो हो गई है, क्योंकि वो जो मल्चिंग मैं डालती रहती हूँ हर एक पॉट पे, तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं। उसमें कुछ प्लांट्स मैं पसंद करती हूँ तो रख देती हूँ, तो जो पसंद ना आए उसको उठा के फेंकती रहती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जंगली पिटूनिया अभी भी है, साथ में तुलसी की पौधा भी है, भीन का भी है, तो बहुत सारे बीज पड़ते रहते हैं तो ये सब उगते रहते हैं। तो जंगली पिटूनिया तो मैं उसको भगा के ही रहूँगी। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे इसकी सीड कलेक्ट करने को बोला है, क्योंकि उन्हें चाहिए वो सीड्स। मुझे लगता है बेकार की ये प्लांट है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो साइप्रस वाइन यहाँ पे भी बहुत सारे जगहों पे है, साथ में भीन का है। और ये है एक परिजात और ये अमरूद
साथ में ड्रम स्टिक, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं बड़े बड़े, और इकट्ठा रखी हूँ मैं ये सब प्लांट्स क्योंकि थोड़ी छाया चाहिए मुझे, यहाँ पे छांव चाहिए। और ये देखो यहाँ पे भी साइप्रस वाइन कैसे ग्रो कर गई है। तो इस साल मैं सोच रही हूँ साइप्रस वाइन की सीड आप लोगों के लिए मैं कलेक्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स पिछले साल मुझे साइप्रस वाइन की सीड के बारे में पूछे हो। और ये देखो एक बैंगन, अभी तक ये विंटर के बैंगन प्लांट पे बैंगन ग्रो हो रही है। और ये एक साइकस प्लांट है, जो मेन प्लांट है वो तो मर गए हैं या क्या हो गया है इसके साथ मुझे पता नहीं, लेकिन साइड से बहुत सारे बेबीज ग्रो हो गई है। और ये देखो छोटे छोटे जो देख रहे हो वो सब जंगली पिटूनिया, सारे के सारे मैं हटाने वाली हूँ आज। छोटे रहते रहते ही इसको हटानी चाहिए, थोड़ी बड़े होने पर इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, तो आज ये सब करनी है। तो पिछले साल मैं दो ऐसे साइकस ग्रो किया था इसमें से लेके, उसमें एक अभी तक टिका हुआ है तो एक मर गया है। इस साल देखती हूँ फिर से मैं ट्राई करूँगी, ये बेबीज मैं अलग अलग पॉट में ग्रो करने वाली हूँ। ऊपर भी है एक, पता नहीं क्यों ये प्लांट मर गए हैं। इधर एक हिबिस्कस भी है, तो ये रहा मेरे साइकस प्लांट, मेरे बहुत दिनों के पुराने वीडियोस में देख सकते हो। ये झाड़ू मैंने लगा रखी है और ये सारे के सारे पॉट्स मुझे आज हटानी है, क्योंकि पीछे भी मुझे क्लीन करनी है, तो उसके आगे मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो चीकू, बहुत सारे चीकू साल भर इसमें लगते रहते हैं, बहुत सारे झड़ भी जाते हैं, क्योंकि इस टेरेस पे मुझे आना जाना कम रहता है, तो कभी कभार पानी कम होने की वजह से ये सारे फूल फल झड़ते रहते हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कुछ चीकू चल पड़ेगा। चीकू की प्लांट बहुत बड़े हो गए हैं, और वो ड्रमस्टिक के प्लांट भी बहुत लंबे हो गए हैं। इधर एक आम की पेड़ है जो बीज से मैंने ग्रो किया है। तो इस जगह पे मेरे बड़े बड़े सब प्लांट्स इकट्ठे मैंने रखी हूँ, तो आज मुझे यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करनी है। और ये जो मधुकामिनी, इसकी फ्लावरिंग तो मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं कर पाई, वही टाइम नहीं मिल रहे हैं। और ये झड़ भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप के साथ साथ बहुत हवा भी चलते रहते हैं, तो ये सारे के सारे फ्लावर्स झड़ भी जाते हैं। बहुत सारे कलियाँ अभी भी है, तो ये रहा एक जंगल। इस जंगल को देख के लग रहा है कि इसके बागवान इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो प्लास्टिक के गमले देख रहे हो, इधर भी बहुत सारे प्लांट्स है, जो मेन प्लांट है वो तो छुप गए हैं। ये एक वुड एप्पल है, काफ़ी ग्रो कर गई है,
साथ में और भी बहुत सारे प्लांट्स अपने आप ग्रो कर गए हैं, और इधर बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे है। और किसी फ्रेंड ने मुझे पूछे हो कि मेरे जो ड्रैगन फ्रूट प्लांट उसके बारे में एक वीडियो बनाओ, तो ये है मेरे ड्रैगन फ्रूट प्लांट। तो जब तूफान आए थे उस दौरान ये जगह जगह से टूट गई है, देख सकते हो इधर। फिर भी जो ब्रांचेस हैं वो पता नहीं क्यों अभी भी ज़िंदा है। तो ये कहाँ कहाँ फैल गए हैं इस जंगल में, इसको ढूंढ पाना तो मुश्किल है। एक इधर भी आ गए हैं। तो बहुत सारे काम यहाँ पे है जो मुझे करनी है। एलोवेरा बहुत यहाँ पे, मुझे बहुत सारे काम यहाँ पे करनी है। जो मैं बोल रही थी कि जो जंगली पिटूनिया इधर एकदम फैल गए हैं, तो मैं इस सारे के सारे पिटूनिया हटाने वाली हूँ। और ये देखो एक जंगली प्लांट, तो सच में एक जंगल ही इधर क्रिएट हो गई है। तो वो जो फ्रूट्स प्लांट्स उसको मैं दिखाती हूँ। ये है कमरक जिसमें बहुत सारे फूल लगी है, और छोटे छोटे कमरक की फ्रूट भी लगी है, दिख नहीं रहा, ये रहा। कैमरा में आ रहे हैं या नहीं पता नहीं, तो इतनी छोटी है ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है। तो ये रहा, कुछ कमरक रह जाते हैं, बाकी सब झड़ जाते हैं। तो इस साल इसमें बहुत सारे नींबू लगी थी, अभी भी इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और ये और एक नींबू के प्लांट है, ये गंधराज नींबू है, लेमन। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ मेरे उस टेरेस की जंगल गार्डन को आप सभी ने जैसे पसंद किए हो, इस जंगल को भी उतना ही पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।